बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाय डेफिनेशन। कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ी सी शक्ल उनकी कल के मुकाबले में ज़रा डिफरेंट है, तो आइए देखते हैं कि इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। y जो है वो x इंटू एक्स माइनस स्टेटमेंट है 3, यहाँ पे 3 है। इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। मैंने सपोज कर लिया इसका नाम नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, फंक्शन में थोड़ा सा अजाफा करते हैं, y में चेंज आ जाएगी y प्लस डेल्टा y, जबकि x के अंदर चेंज आएगी x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वेयर माइनस, इधर 3x है तो इधर भी x के अंदर चेंज आएगी x प्लस डेल्टा x। इसका नाम हमने सपोज कर लिया कि ये नंबर 2 है, यानी अब ये एक किस्म के दो सवाल हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक 3x वाला, दोनों सवाल इकट्ठे हो गए हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। व्हाट यू विल गेट, वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को माइनस कर दिया इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई ना कर दें, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, इसमें से माइनस करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, ये y जो है इस y के साथ कैंसिल होगा, दिस y विल बी कैंसल्ड विद दिस वन, दोनों मिलेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये वाला 3x जो है इस वाले 3x के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसके साथ इसको मिला ले माइनस x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये बच गया आपके पास माइनस 3 डेल्टा x। अब हम करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा एक्स। अगले स्टेप में जब मैं लिमिट अप्लाई करने जाऊंगा तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। स्टेप नंबर 4, स्टेप
नंबर फोर, टेकिंग लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इधर फिर आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इधर मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये बन जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, में से मैंने एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया, माइनस थ्री डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये बन गया लिमिट का क्वेश्चन। अब जिस तरह लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ जाती है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में डेल्टा है, डेल्टा की वजह से डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर से डेल्टा को, डेल्टा एक्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ऐसा करने से देखें ये वाला एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल हो जाएगा और आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगी वो ये वाली होंगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन निकालें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन निकाला तो आ गया थ्रू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस थ्री ओवर ये वाला डेल्टा एक्स। तो एज यूजुअल ये वाला डेल्टा एक्स से कटेगा, तो डिनोमिनेटर में से डेल्टा खत्म करने में हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इसका मतलब है अब हमारा जवाब जीरो ओवर जीरो फॉर्म या डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आया जीरो माइनस थ्री, तो आपका आंसर आ गया टू एक्स माइनस थ्री। तो ये था आज का पहला पार्ट। आप ऐसा किया करें कि लेक्चर को जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ ना शुरू से लेके आखिर तक, लेक्चर को पहले गौर से सुना करें, उसके बाद फिर बुक खोल के तो फिर ये जो पार्ट मैंने करवाए होते हैं इनको आपने खुद सॉल्व करना होता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉब्लम दोबारा आप देखें कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम आती है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन का सेवन्थ पार्ट, इसमें x की पावर 4 आ गई है। x की पावर 4 को कैसे डील करना है ये मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा कि x की पावर 4 को कैसे खोलना है। आपने एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं इसके अंदर मैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, गिव सम इंक्रीमेंट टू द फंक्शन, इट विल बिकम y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू टू ओवर x प्लस डेल्टा x होल पावर 4 माइनस कुछ भी नहीं, अभी इसका नाम नंबर 2 रखें, अभी तो जस्ट हमने इंक्रीमेंट दी है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट डाउन द सेंटेंस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो y प्लस डेल्टा y में से y माइनस कर दिया इज इक्वल टू टू ओवर
एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर आ गया माइनस टू ओवर एक्स फोर। वाई वाई के साथ कैंसल, तो क्यों ना मैं इसका एलसीएम ले लूं, डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू टू एक्स फोर माइनस टू इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर आ गई। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय डेल्टा एक्स, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर थ्री। चार स्टेप्स को बिल्कुल नहीं भूलना आपने, जब भी किसी के साथ डिवाइड करते हैं तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट जीरो। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एक्स की पावर फोर माइनस टू इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स की पावर फोर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर। टेकिंग लिमिट स्टेप नंबर चार में लिमिट लेते हैं, तो अब ये थोड़ी देर बाद लिमिट का क्वेश्चन बनने वाला है। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इट विल बिकम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू एक्स फोर माइनस टू इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स की पावर फोर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर। अब देखिए जब डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा टू एक्स की पावर फोर माइनस का ये प्लस का, फिनिश जीरो। डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट किया जीरो, तो ये बन गई जी जीरो ओवर जीरो फॉर्म। अब इसको कैसे हमने एक्सपेंड करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एक्सपेंड करने का तरीका सीखें आप। एक तो तरीका ये है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर है, इसको आप लिखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर, फिर इसका स्क्वेयर खोलें इसका स्क्वेयर खोलें, उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दैट इज द लेंथी प्रोसेस। नाउ मैं आपको एक नया तरीका, जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है, अब इसको कैसे एक्सपेंड करना है इसका मैं नया तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। अब a प्लस बी की पावर अगर 4 है, इसको मैंने एक्सपेंड करना है, तो मैं इसके लिए बनाऊंगा पास्कल ट्रायंगल। इसका कॉफिशियंट क्या है 1 और इसका कॉफिशियंट क्या है 1, यहां पे मैं लिखूंगा 1 1, साइड पे फिर आएगा 1। गौर से देखो जरा, ये स्टेप समझने वाला है, दोबारा देखें 1 1 लिख के फिर साइड पे 1। अब इन दोनों को ऐड करें, जो जवाब आता है ना वो इनके दरमियान में लिखें 2, साइड पे फिर आएगा 1, फिर साइड पे 1। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे, साइड पे फिर आएगा 1, फिर साइड पे 1। अब इन दोनों को ऐड करो, 3 प्लस 1 4, यहां पे आ जाएगा 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 1। अब ये आपके कोएफिशिएंट के तौर पे काम करेंगे। अब मसलन ये देखें, मैं अगर a प्लस बी का स्क्वायर खोलना चाहता हूं,
ए प्लस बी का स्क्वेयर, ये तो फार्मूला आपको आता है ना, इस फार्मूले की मदद से अब ये स्क्वेयर टू यहां पे आता है तो इसको लेंगे। पहला कोफिशियंट क्या है, वन, वन ले लिया इंटू ए की पावर जो भी यहां पे होगी। फिर अगले स्टेप में अगला कोफिशियंट क्या है, टू, यहां पे लगा देंगे टू, ए की पावर एक कम कर देंगे, बी की पावर एक बढ़ा देंगे। फिर उससे अगला कोफिशियंट क्या है, वन, वन इंटू ए की पावर एक कम कर देंगे, वो ए की पावर जीरो आ जाएगी, और बी की पावर एक बढ़ा देंगे हम। तो ये देखें, इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह जब आप ए प्लस बी का क्यूब खोलेंगे, ए प्लस बी का क्यूब, तो इधर अब पहला कोफिशियंट क्या है, वन, वन आ गया, और ए की पावर कितनी आएगी, थ्री। फिर उसके बाद अगला कोफिशियंट क्या है, थ्री, ए की पावर एक कम करेंगे, बी की पावर बढ़ाते जाएंगे। फिर अगला कोफिशियंट क्या है, थ्री, यहां पे लगाएंगे थ्री, ए की पावर कम, बी की पावर ज्यादा। फिर अगला कोफिशियंट वन, वन इंटू बी क्यूब, तो ये देखे ए प्लस बी क्यूब इसी के बराबर ही होता है, राइट। अब मैं एक्स प्लस डी एक्स की पावर फोर के ऊपर जो है ये मैं पास्कल ट्रायंगल अप्लाई करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। आई होप कि ये आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये तो आ गया टू की पावर, टू इंटू एक्स की पावर फोर, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है। माइनस टू इंटू, ब्रैकेट होती है शुरू। अब देखें एक्स की पावर फोर के लिए ये वाले कोफिशियंट इस्तेमाल होंगे। पहला कोफिशियंट क्या है, वन, यहां पे आ गया वन इंटू एक्स की पावर कितनी आएगी, फोर। उसके बाद अगला कोफिशियंट क्या है, फोर, यहां पे आ गया फोर। अब एक्स की पावर एक कम कर देंगे, डेल्टा एक्स की पावर एक बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर अगला कोफिशियंट क्या, सिक्स, सिक्स इंटू एक्स की पावर एक कम कर देंगे और डेल्टा एक्स की पावर एक बढ़ा देंगे। ये डेल्टा एक्स का स्क्वेयर आ गया। अब मजबूरी है, मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। उसके बाद अगला कोफिशियंट क्या है, फोर, फोर इंटू एक्स की पावर एक कम कर दी, डेल्टा एक्स की पावर एक बढ़ा दी। फिर उसके बाद अगला कोफिशियंट क्या है, वन, एक्स की पावर खत्म करेंगे, जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो, वन, डेल्टा एक्स की पावर फोर आ गई। बस इतना काम था, डिवाइडेड बाई। अच्छा, अगर ये दरमियान में माइनस हो ना, लेट्स सपोज, तो फिर पहली टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, यानी इसको आप a माइनस बी की पावर थ्री, a माइनस बी की पावर फोर, a माइनस बी की पावर फाइव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर दरमियान में माइनस आएगा तो अल्टरनेट साइन आएंगे, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, ओके। अब डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इंटू एक्स की पावर आ गई फोर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर। यहां पे आपने फार्मूला अप्लाई नहीं करना, वो इसलिए क्योंकि जब हम इस डेल्टा एक्स को खत्म कर देंगे ना तो डिनोमिनेटर में जीरो आने का चांस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा एक्स हमें तंग नहीं करता। इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक्स की पावर फोर आती है। तो इसको खोलने के ऊपर टाइम जाया नहीं करना आपने, इसको एज इट इज रहने देना है। अब आप इसकी ब्रैकेट्स खोल दें ऊपर, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये आ गया टू एक्स फोर,
माइनस टू एक्स फोर माइनस फोर टू जार एट, फोर टू जार एट, एट एक्स क्यूब इंटू डेल्टा एक्स, सिक्स टू जार ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स का स्क्वेयर, फोर टू जार एट माइनस एट एक्स डेल्टा एक्स की पावर फोर माइनस टू डेल्टा एक्स फोर ओवर, नीचे वाली टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगी, ये बिल्कुल एज इट इज। ब्रैकेट लगा दें यहां पे ताकि ये कहीं इसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। ये आ गया डेल्टा एक्स इंटू एक्स फोर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर आ गई जी। ये डेल्टा एक्स फोर, यहां पे डेल्टा क्यूब करें जरा। अच्छा जी, अब देखें इतना करने के बाद ये क्या है, टू एक्स फोर, टू एक्स फोर दोनों आपस में बोथ विल बी कैंसल्ड, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एट एक्स क्यूब डेल्टा एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स का स्क्वेयर माइनस एट एक्स आ गया इंटू डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस टू डेल्टा एक्स फोर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर। अब यहां से आपको डेल्टा एक्स कॉमन नजर आएगा एज यूजुअल, वो डेल्टा एक्स जब इसके साथ कटेगा तो डिनोमिनेटर में से जीरो आने का चांस, खत्म, फिनिश, खलास। चलें जी, डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं ऊपर से, डेल्टा एक्स को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आया, माइनस एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर इंटू डेल्टा एक्स माइनस एट एक्स इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वेयर माइनस टू डेल्टा एक्स का क्यूब हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम योर आंसर शुड बी सर नो नेवर नॉट एट ऑल सो सिंपल सो इजी बट इट लुक्स लिटिल बिट ऑफ लेंथी। तो ये इनका मसला है कि क्वेश्चन लेंथी हैं बट दे आर सो सिंपल। सिराते मुस्तकीम पे चलता जाना है आपने, जो चार स्टेप मैंने आपको बताए हैं उनसे आपने दाएं बाएं मूव नहीं करना। ये देखो, ये डेल्टा एक्स के साथ फिशू उड़ा दिया मैंने इसको, तो ये आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स माइनस एट एक्स डेल्टा एक्स का स्क्वेयर माइनस टू डेल्टा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो भाग गया यहां से, उड़ा के रख दिया हमने उसको, तो हमारे पास बच गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर फोर। ये अगर एक्स की पावर फोर है तो इट शुड बी एक्स की पावर फोर, यस इट इज, ये एक्स की पावर फोर, यहां पे भी एक्स की पावर फोर आएगा, यहां पे भी, इट हैज बिन मिस्ड, ये नहीं। अब जो है बारी है लिमिट अप्लाई करने की, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी,
डी वाई बाई डी एक्स। अब जहां जहां पे डेल्टा एक्स आता है वहां वहां पे क्या पुट करेंगे आप? जीरो। आइए पुट करते हैं, माइनस 8x³ माइनस 12x² इंटू जीरो माइनस 8x इंटू जीरो माइनस 2 जीरो का क्यूब डिवाइडेड बाई x⁴ ब्रैकेट में आ गया x प्लस 0 की पावर 4। ये सारे जीरो हो गए, जीरो जीरो जीरो। ऊपर आ गया माइनस 8x³ माइनस 8x³ डिवाइडेड बाई x की पावर 4, और 4 कितनी बन गई? x की पावर 8। इसको अगर आप अगले स्टेप में लेके जाएंगे तो x की पावर 3 को चूक कर नीचे ले आए तो 3 और 8 कटने के बाद x की पावर कितनी आ जाएगी? 5 के बराबर आ जाएगी। और ये है आपका आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, इसके अंदर अब पावर आ गई है 1/3। अगर a प्लस बी का स्क्वेयर हो तो वो खोला जा सकता है, पावर 3 हो खोली जा सकती है, लेकिन अगर रैशनल नंबर आ जाएं तो फिर उसको एक्सपेंड करना, उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। फिर उसके लिए हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर एक बाइनोमियल सीरीज़ थी। वो बाइनोमियल सीरीज़ क्या है उसको याद करना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ, इसको आपने याद कर लेना है, इसका इस्तेमाल बाकी मानदा क्वेश्चन में होगा। बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर n। ये सीरीज तब इस्तेमाल होती है जब n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर ना हो। अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फिर बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस सो ऑन। चलते जाओ। याद होगा कि जब मैंने आपको ये थ्योरम करवाया था पहले चैप्टर के अंदर, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये, तो वहां पे मैंने इस बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल किया था। तो आज इसका इस्तेमाल दोबारा होगा। ये तब यूज होती है व्हेन n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। यानी n की शक्ल कैसी होगी? प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, ठीक है, इस तरह की हो सकती है, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, इस तरह की हो सकती है, राइट। अगर n नेगेटिव हो या रैशनल नंबर हो तो फिर ये वाली सीरीज का इस्तेमाल होता है। बाइनोमियल थ्योरम जो है, फिर इसको भी लिख ही लें आप, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल सीरीज की आखिरी टर्म का हमें कुछ पता नहीं होता ये क्या है। बाइनोमियल थ्योरम ए प्लस बी की पावर एन। और दूसरा ये है कि बाइनोमियल सीरीज के लिए पहली टर्म यहां पे 1 होनी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम के लिए जरूरी नहीं कि यहां पे 1 हो। इसका फार्मूला है ए की पावर एन प्लस एन इंटू ए की पावर एक कम करते जाएंगे और बी की पावर एक बढ़ाते जाएंगे प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वेयर ओवर एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1
इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री प्लस सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। इसकी लास्ट टर्म बी एन है। इसकी बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट टर्म का हमें पता होता है, बाइनोमियल सीरीज में इसकी आखिरी टर्म क्या आएगी हमें बिल्कुल पता नहीं होगा। ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, वन टू, वन के ऊपर तो खोलना नहीं पड़ता, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जब एन की पावर इस तरह की होगी तो फिर ये वाला थ्योरम लगता है। तो ये जरा आपने फर्क रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर पावर यहां पे तो हमें नजर आ रहा है ना वन बाई थ्री, अगर जनरली तौर पे दिया हो एन, तो अगर साथ कंडीशन दी हो कि एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है तो फिर बायनॉमियल थ्योरम, अगर कंडीशन नहीं दी हुई तो फिर बायनॉमियल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे जी। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको आपने जरा नोट कर लेना है अपने नोट्स के अंदर। फर्ज कर लिया ये है नंबर वन, गिव सम इंक्रीमेंट टू द फंक्शन y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस फोर होल की पावर वन बाई थ्री, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू। तो डेल्टा वाई किसके बराबर आ जाएगा, अब ये देखिए एक्स प्लस फोर है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस फोर, तो आप भी एक्स प्लस फोर को इकट्ठा कर लें, एक्स प्लस फोर प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर कितनी आ गई वन बाई थ्री माइनस एक्स प्लस फोर की पावर आ गई वन बाई थ्री। ओके, ये था दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखें हमने इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए यहां पे वन का होना बड़ा जरूरी है, तो इसलिए मैं इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करता जाता हूं। ये देखें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया और साथ ही मैंने यहां से एक्स प्लस फोर को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस फोर को कॉमन लिया तो इसकी पावर आ गई वन बाई थ्री बाहर और ब्रैकेट के अंदर आ गया वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इधर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं बाइनोमियल सीरीज, ये वाला फार्मूला। ओके, गौर से देखिएगा, अब ये वन ये पूरे का पूरा एक्स का रोल अदा कर रहा है, वन प्लस एक्स ये एक्स है और ये एन है, वन प्लस एक्स की पावर एन। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये किसके बराबर आएगा, वन प्लस एन इंटू एक्स वन बाई थ्री इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर, वन प्लस एन इंटू एक्स, फिर आगे आएगा एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू, अब इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगी,
डेल्टा एक्स का स्क्वायर ऊपर आ गया और एक्स प्लस फोर का स्क्वायर नीचे आ गया जी। एक टर्म और लिखें आप, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, आगे आ जाएगा डेल्टा एक्स का क्यूब ओवर एक्स प्लस फोर की पावर थ्री प्लस सो ऑन। आगे हम लिखेंगे टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, सो ऑन चलता जाएगा। इसकी आखिरी टर्म का हमें कुछ पता नहीं होता, ब्रैकेट क्लोज। अभी जो है ये एक्स मनफी फोर, ये वाली टर्म अभी बाकी है, माइनस एक्स प्लस फोर की पावर वन ओवर थ्री। यहां पे क्यूब की बजाय डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर आएगा। अब मुझे जो है ना ये बोर्ड जरा दो दफा साफ करना पड़ेगा, एक स्टेप तो और नीचे मैं कर दूंगा लेकिन बाकी स्टेप मुझे फिर ऊपर करने पड़ेंगे। ये देखें जी, अब आप ऐसा करें, ये स्टेप करने के बाद अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप आपने डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना था, वो तो अभी किया ही नहीं। डेल्टा एक्स ये आ गया जी, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स ओके। अब आप क्या करेंगे, एक्स प्लस इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा ख्याल है कि ये स्टेप हमें ऊपर करना चाहिए। देखें जी, ये लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब आपने एक्स प्लस फोर के साथ अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट के अंदर जब इसको वन के साथ जरब देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री डेल्टा एक्स, उसके साथ फिर एक्स प्लस फोर की पावर कितनी आ गई, वन बाई थ्री ओवर एक्स प्लस फोर। ठीक, अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, वन बाई थ्री। ये आगे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वन बाई थ्री तो आगे आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते रहें, क्योंकि जब हमने लिमिट लेनी है ना डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो तो ये जीरो की वजह से ना ये सारी रकमें आगे जाके जीरो हो जाएंगी, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी टर्म, अब तीसरी टर्म क्या आएगी, वन बाई थ्री एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री, और ये आ गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस फोर की पावर टू। उसके बाद फिर एक टर्म और लिखते हैं बस, प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स प्लस फोर की पावर आ गई वन बाई थ्री
ओवर एक्स प्लस फोर का क्यूब इंटू डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन, आगे आएगा टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर। ये फिक्रा जो है ना, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये अंडरस्टूड है कि यहां पे क्या है, टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, यानी इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स की पावर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। यहां पे मैं करता हूं ब्रैकेट क्लोज, और अभी मेरे पास ये वाली टर्म बाकी है माइनस एक्स प्लस फोर, माइनस एक्स प्लस फोर की पावर 1/3। और ये मत भूलें कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आ गया जी। अब डेल्टा एक्स, अब ये देखें ये वाली टर्म जो है, ये वाली एक्स प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1/3 डेल्टा एक्स एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस फोर। अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, इस टर्म को लिख लिया, अब इसकी बारी आ गई, प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स प्लस फोर की पावर 1/3 इनटू एक्स प्लस फोर। इसको भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर। फिर बारी आती है इस टर्म की, प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस फोर की पावर 1/3 ओवर एक्स प्लस फोर की पावर 3 इंटू डेल्टा एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, कंटेनिंग द हायर पावर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, ब्रैकेट कर दें क्लोज, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अब एज यूजुअल ऊपर से आपको डेल्टा एक्स कॉमन नजर आएगा, उसको फिर इस डेल्टा एक्स के साथ कॉमन काट देंगे तो फिर हमारी जान छूटेगी। ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन लें आप, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स ऊपर से कॉमन लिया गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ गया एक्स प्लस फोर की पावर 1/3 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस फोर। उसके बाद ये फिर किसके बराबर आ गया, 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसकी जगह पे आया एक्स प्लस फोर की पावर 1/3 एक्स प्लस फोर का स्क्वायर। एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, एक डेल्टा एक्स अंदर रह गया। फिर इसकी बारी आती है, प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस फोर। नो नीड टू सिंप्लीफाई इट, इट विल बिकम जीरो इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल सी। ये आ जाएगा एक डेल्टा बाहर चला गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, टर्म्स ये फिक्रा लिखेंगे आप, टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स। ओके, ये आप खुद लिखेंगे जी।
और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स लिखना मत भूलिएगा, ये आ गया डेल्टा एक्स। अब देखें जी, ये डेल्टा एक्स बिलाआखिर इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल होने करने में हम लोग कामयाब हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सो मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू, यू आर एबल टू फिनिश द टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसकी वजह से ही जवाब इन्फिनिटी आ रहा था हमारा, कट गया। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये आ गया एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री। ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, पावर माइनस वन बनेगी ओवर थ्री। इनको नहीं छेड़ना आपने, ये आ जाएगा वन बाई थ्री, वन बाई थ्री माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री, एक्स प्लस फोर का स्क्वेयर इंटू डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री ओवर एक्स प्लस फोर की पावर थ्री डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस सो ऑन टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स। अब अपना दिल थाम के बैठो, आंसर आने वाला है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या आ गया एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई थ्री माइनस वन ओवर थ्री प्लस, यहां पे डेल्टा एक्स है, ये देखो डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, जीरो से जरब खा के ये सारी टर्म जीरो के बराबर आ जाएगी। उसके बाद यहां पे क्या है डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये सारी रकम जीरो प्लस सो ऑन, आगे जीरो ही जीरो आता जाएगा, टकाटक टकाटक टकाटक, राइट। और ये किसके बराबर आ गया, वन बाई थ्री एक्स प्लस फोर की पावर माइनस टू बाई थ्री, ये आपका आंसर है। अगर आपको ये पसंद ना आए तो ऐसे भी लिख सकते हो, वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर की पावर टू बाई थ्री, डिनोमिनेटर में ले जाए वहां पे जाके इसको पॉजिटिव कर दें जी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल इस तरह के और मर्च मसाले वाले सवाल जो हैं वो आपके साथ करेंगे, टेंशन नहीं लेना। पहला क्वेश्चन था इस तरह का, लंबा था, जब आप दो से तीन दफा बायनॉमियल सीरीज इस्तेमाल करोगे दे विल बिकम सो सिंपल सो इजी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।